गाइस यहाँ पर मैंने सबसे पहले माँ सरस्वती का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली ड्रॉ कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ओवल शेप में हैंड्स को ड्रॉ किया है, एंड ड्रॉ करने के बाद इधर मैंने फेविकॉल और जो है ग्लू गन को यूज़ करके साथ में यूज़ करके मैंने चिपकाया, क्योंकि मैंने एक बार ग्लू गन को कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक किया था तो वो वापस निकल जा रहा था, एंड जो फेविकॉल था वो जल्दी ड्राई नहीं होता था, तो दोनों को एक साथ मिला के मैंने यूज़ किया है। एंड इधर पैर का भी मैंने सेम ओवल शेप में किया है, एंड ऊपर जो पैर है उसे मैंने हाफ ओवल शेप में किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने पीछे सपोर्ट के लिए और कार्डबोर्ड चिपका दिया है ताकि ये और मजबूत बन जाए एंड बाद में निकले ना। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने जो हैंड्स के शेप है उसे ड्रॉ करके इधर मैंने कट कर लिया, एंड जो उंगलियाँ है वो मैंने अलग से कट किए हैं एक अलग कार्डबोर्ड में। फिर इसके बाद मैंने जो थंब है उसे भी अलग से ऐसे स्टिक कर लूँगे, एंड बाकी सारे हैंड्स जैसे कि आशीर्वाद वीना का सबका मैंने स्टिक कर लिया है इधर मूर्ति के साथ, एंड आपको एडजस्ट करके मतलब कि मूर्ति का साइज़ के हिसाब से ही आपको यहाँ पर हैंड्स का जो साइज़ है वो लेना है। एंड इधर मैंने वो ओवल शेप का जो मैंने हैंड्स ड्रॉ किया है उसे मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। फिर इसके बाद इधर जो ऊपर का हैंड है वो भी मैंने ग्लू और सबसे स्टिक कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने पैर को ड्रॉ कर लिया कार्डबोर्ड के ऊपर, एंड इसे भी स्टिक कर लेंगे। फिर इसके बाद इधर मैंने फेस ड्रॉ किया है, एंड यहाँ पर मैंने पहले फेस ड्रॉ करके रख लिया है, एंड इसके बाद इधर मैं आई लैशेज ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड इधर आप देख सकते हैं कि फेस कैसा दिख रहा है अभी। एंड इसके बाद हम इस फेस को अच्छे से कार्डबोर्ड में स्टिक कर लेंगे, या फिर आप पहले इसे कट कर लेना ऐसे गोल शेप में, फिर इसके बाद आप इसे कार्डबोर्ड में स्टिक करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसे स्टिक कर लिया है कार्डबोर्ड के ऊपर, एंड फिर इसके बाद जो मूर्ति का फेस है उधर लगी गला है उधर मैं मूर्ति के फेस को स्टिक कर लूँगा अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के। फिर इसके बाद जो हमारा मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट हो चुका है, एंड अब हम बाकी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने क्ले से इधर एक डिज़ाइन बना लिया है ऐसा वाला चाल चित्र का डिज़ाइन। सो फिर इसके बाद हम इसे कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो इधर मैंने वाइट पोस्टर कलर का यूज़ किया है, आप एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास एक्रेलिक कलर नहीं था तो मैंने इधर पोस्टर कलर का ही यूज़ किया है। सो ये जो चाल चित्र मैंने कैसे बनाया ये आपको अगर जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेपर दुर्गा आइडल तक, क्योंकि मैं उसमें चाल चित्र बनाना दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, तो आप उसी वीडियो में आपको चाल चित्र कैसे बनाना वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ मैंने कंप्लीट पेंट कर लिया है। फिर इसके बाद जो गाइस अब यहाँ पर मैं माँ सरस्वती का जो मूर्ति है उधर व्हाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ, इधर मैंने व्हाइट कलर दिया है, एंड व्हाइट कलर से हम इस मूर्ति को पेंट कर लेंगे अच्छे से। हमें पहले हर पार्ट में हमें व्हाइट कलर लगाना है, हाथ पैर बॉडी सब जगह में लगा लिया। फिर इसके बाद सूखने के बाद मैंने सेकेंड कोट लगाया है, इधर फेस में भी मैंने व्हाइट कलर से कलर कर दिया है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्किन कलर से थोड़ा सा शेडिंग किया है ताकि और रियलिस्टिक लुक आए, तो ये स्किन कलर मैंने बनाया है येलो ऑकर कलर प्लस वाइट कलर को मिक्स किया, एंड इसके बाद रेड एंड वाइट कलर को मिक्स करने के बाद थोड़ा पिंक शेड किया है, एंड थोड़ा पिंक शेड से थोड़ा शेडिंग किया है इधर अच्छे से शेडिंग कर लिया है हाथ पैर उंगलियाँ जगह पर मैंने शेडिंग किया है। गाइस इधर शेडिंग का काम कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर माँ सरस्वती के चूड़ी के लिए इधर मैंने क्ले से इसे ऐसे बना लिया है, एंड इसके ऊपर रेड कलर से पेंट कर दिया है हर हाथ में। फिर इसके बाद मैंने जो गोल्डन बीड्स है हाफ कट गोल्डन बीड्स को इधर मैंने चूड़ी के ऊपर लगा दिया है लाल चूड़ी के ऊपर, एंड पायल के रूप में भी इधर लगाया है, एंड माँ सरस्वती का फेस जो है वाइट कलर के ऊपर सेम शेडिंग दिया है मैंने, एंड उसके ऊपर ब्लैक कलर से आईब्रोज बना लिए हैं।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।